सर मुस्लिम दुश्मनी है, बेईमानी है, बदजानती है और मुसलमानों को बर्बाद करने का एक कोशा हथियार है। कानून हमारे आईन की तोहीन है, जो हमारे आईन का प्रीएम्बल है उसके साथ बलात्कार करने के बराबर है। तो इसकी का प्रीएम्बल जो है उसमें साफ बात वादी की गई है कि हर एक को इंसाफ मिलेगा, बराबरी मिलेगी, आजादी मिलेगी, आजादी तहरीर तकरीर वर्ड उसके लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ये हर एक को कहा मिलेगी। जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बराबर से मौका मिलेंगे हर एक आदमी को और तरक्की करने के अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको आगे। तो ये तो मजाक उड़ाना है उसका, बलात्कार करने के बराबर है मिलके। और ये जो है ये बिल जो है ये कत्ल है तरजो दोला का, जितने 1857-1600 साल पहले प्लासी की लड़ाई में मुकाबला किया अंग्रेजों का और कोच की जी निकाल के बाहर कर दिया उसको। ये कत्ल है खिप्तीबू सुल्तान का, ये कत्ल है बहादुर शाह जफर का, ये कत्ल इब्राहिम गार्दी का जो मराठों का तूफाने का इंचार्ज था, जितने मतलब अब्दाली के खिलाफ छक्केबाजी से मराठों को छक्केबाजी से मतलब ये कत्ल ब्रिगेडियर रहमान का, ये कत्ल अवतार अब्दुल हमीद का, ये कत्ल बहादुर शाह जफर का, ये कत्ल मौलाना आजाद का, ये कत्ल उन सारे कौम पर मुसलमानों का जिन्होंने हिंदुओं से बहुत पहले आजादी की लड़ाई शुरू की थी मुल्क के अंदर। तारीख के सवाल वाले उलट के देखें अगर हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी आजादी की लड़ाई का झंडा उठाया अलाहाबाद का मुसलमानों ने हफ्ते पहले, मदरिम का शिकार भी हुए आगे, हजारों उलमा फांसी भी चढ़ गए मुसलमानी थे मुल्क लड़ने के लिए कि हम जहाँ ये मुसलमानी थे जिन्होंने फतवा दिया कि अंग्रेजी पढ़ना आराम है, अंग्रेजों की नौकरी करना आराम है, अंग्रेज फौज में भर्ती होना आराम है, अंग्रेजों की आवाज दी आवाज उठाना आराम है, ये मुसलमानी थे मुल्क के। इनकी सोच वाले लोग माफी मांगते रहे, सामने ही था कोई आके, बहुत बाद में हाथ में आया मतलब। तो ये इनको इनको ये हिंदुओं की जागीर नहीं है बल्कि ये मतलब हिंदू तो बड़ा अजीम मजहब है, हिंदू बड़े अजीम कौम है, जितने जो यहाँ लोग हमला भरा है उनको भी बना दी उसने, तो आगे जो लोग हमला करने आए उनको भी गले लगा लिया उन्होंने मतलब। हिंदू तो बड़ी वास्ट बड़ा अजीम मजहब है मतलब, बड़ी वसत उसमें है मतलब हिंदुज्म में आगे, लेकिन ये हिंदू नहीं है लोग, दुश्मन हिंदुज्म के बर्बाद बर्बाद करने वाले लोगों के लिए।